हम और कितने दिन बाहर रहेंगे पिताश्री? हमारा क्या जुर्म है? हम युवराज हैं, ये हमारा जुर्म है। सभी की नजरों में हम ही दोषी हैं, और हम आपको यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, मतलब हम राजगढ़ पर सही सलामत पहुँचेंगे इसका भरोसा नहीं है। महाराज, युवराज को समझा दिया ना आपने? समझाया तो उन्होंने हमें। चिंता मत कीजिए शंभू राजा की, निश्चिंत होकर जाइए। लेकिन आपका पुत्र अब हमारा पुत्र है, अपनी जान से भी ज्यादा संभालेंगे उन्हें। लक्ष्मी बाई के आंगन से ही घोड़ों के टापों की आवाज सुनी है मैंने, कोई मानो या ना मान, कुछ तो गड़बड़ है। शंभू राजा को छोड़ते वक्त हमारे हाथों की तलवार कमजोर हो गई, लेकिन किसी को ये सब नहीं दिखा। माँ, माँ। केशव, अरे कितनी देर कर दी आने में। जी। क्या मिट गया? क्या क्या मिटेगा, और धर्म सभा मिटाती नहीं, न्याय करती है, और करना भी चाहिए। आजकल लोग भी शातिर हो गए हैं, धर्म से विपरीत बर्ताव करते हैं, पाप पुण्य का भय नहीं रखते, फिर फंस जाते हैं मुश्किल में। अरे पर ऐसा हुआ क्या है? कुछ नहीं, संत महात्मा बनने जाते हैं, फिर बैठते हैं किधर भी, अभक्ष भक्षण करते हैं, सगोत्र ना होते हुए भी एक ही थाली में खाते हैं। शिव 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 शिव, मतलब ये महादेव भट्ट ऐसे पेश आते? भैया अब आप ही बताइए, ऐसा करने से बचा कुचा धर्म भी नष्ट हो जाएगा ना, और महादेव भट्ट की तो आने वाली 42 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। हाँ, इसीलिए धर्म सभा ने उसे सबक सिखाने के लिए उसका बहिष्कार किया है। क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर हो गया। कलयुग है, यही सच है। खैर जाने दो, माँ राह देख रही है, थालियां भी लगा दी हैं, हमारे बैठने पर ही खाना परोसेंगी। चलो। शंभो शिव शिव। हाँ चलो। माँ, माँ बहुत भूख लगी है। भूख लग रही है? इतने दूर जाना, धूप में वापस आना, भूख लगेगी नहीं तो क्या? माँ भूख अब लगी है, लड्डुओं की मीठी खुशबू आई इसलिए। तुमने एकदम ठीक पहचाना, लड्डू ही बनाए हैं। पर माँ, परसों तो घर में उसका सामान नहीं था। भैया, आपको कहीं से दक्षिणा मिली क्या? कौन? अरे वो अपना, ये वो। सुनो सुनो सुनो, मथुरा के नगर जनों, शाही फरमान जारी हुआ है। बादशाह के हुक्म अनुसार नगर जनों को सूचित किया जाता है कि बागी काफिर दक्खन का सिवा आगरा से भाग गया है, उसका सही पता देने वाले को इनाम दिया जाएगा। सिवा के साथ 10 साल का बच्चा भी है। उन दोनों को किसी ने छुपाने की या पनाह देने की कोशिश की तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चौराहे पे लटका दिया जाएगा, उनका घर खेत गलियान तीनों जब्त किया जाएगा।
तो कुछ उनका आता पता हो तो जानकारी दे। सुनो सुनो, इनाम पाने का बड़ा मौका। जागीर मिल सकती है, एक मन सोना भी मिल सकता है, हाथी घोड़ा पालकी का सम्मान मिल सकता है। बागी सिवा का पता बताओ और अमीर रईस बन जाओ। सुनो सुनो। औरंगजेब के हुक्म के बाद लुभावानी वस्तुएं तोहफों का ढेर खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप डरिएगा नहीं। फरमान सुना? हाँ। ये शंभू राजा है ना? हाँ। हमारे घर पर कैसे? और शिवाजी महाराज वो कहाँ हैं? शिवाजी महाराज खुद शंभू राजे को हमारे घर पर छोड़ गए हैं और वे हमारे घर पे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। जाते वक्त शिवाजी महाराज खर्चे के लिए कुछ रुपए और सोने के मोहरे भी दे गए हैं। वो ठीक है, लेकिन हम शंभू राजा की जिम्मेदारी निभा पाएंगे क्या? निभानी ही पड़ेगी, हमारे राजा के लिए हमें इतना करना ही पड़ेगा। पर इसमें बहुत खतरा है माँ। मानो तो खतरा है, पर अगर हम लोगों ने कुछ पता चलने नहीं दिया तो खतरा नहीं है। लेकिन कल को पता चला तो? पता कैसे चलेगा? हम उन्हें बाहर ही निकलने नहीं देंगे ना, हम उन्हें बिल्कुल दिखने नहीं देंगे। मुझे ये सब कठिन लग रहा है। औरंगजेब के खबरी चालाक और होशियार हैं। वो बराबर ढूंढ निकालते हैं। हम उनसे ज्यादा होशियार रहेंगे और स्वराज्य की ये अमानत सुरक्षित रखेंगे। जैसे ही वातावरण शांत हो जाएगा, महाराज के लोग आएंगे और इन्हें लेके जाएंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। देख लीजिए, कल थोड़ा सा भी शक हुआ मुगल अमलदार को तो हम सबको जान गंवानी पड़ेगी। हम लोगों के गले में फांसी का फंदा होगा। बादशाह कैसे जुल्म ढाता है ये जानते नहीं अब तक आप? खुद के पिता को उसने जहरीला तेल शरीर पे लगा के तड़पाया, फिर हम लोग कौन हैं? ये देखो केसो, तुम बहुत आगे की बोल रहे हो। जो दिख रहा है वही बोल रहा हूँ। मुझे लगता है स्वराज्य की सेवा करने की ये संधि हमें सामने से मिली है और हमें वो निभानी ही चाहिए। केसो तुम डर गए हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। क्या है ना भैया, हम लोग खा पी कर सुखी हैं। ओम भिक्षाम देही इस पुकार से हमारा पेट भर जाता है। नहीं, हमारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन पिताजी की कृपा से माँ सरस्वती का निवास इस घर में है। भैया बहुत अच्छी पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, दान दक्षिणा रोज घर पे आती है, इतना काफी नहीं है क्या? पर जीना इसका नाम नहीं है। अगर स्वराज्य के लिए कुछ करना पड़े तो वो हमें करना ही चाहिए बेटा। और केशो, वो क्षण आज आया है। और केशो, माँ ने महाराज जी को वचन भी दे दिया है। पर फिर भी शंभू राजा मतलब संकट ही है। पर हम उन्हें छुपा कर रखेंगे ना? भैया ऐसे आग पे घास डाल के उसे छुपाया या ढका नहीं जा सकता। धुआं उठता है तुरंत और सब घास चल जाती है। वक्त मुजरा करने का नहीं, आप निकलिए, आप जहाँ रुकेंगे वहाँ खाना मिलेगा। गांव में कोई रुकना मत, बाल बच्चों को लेकर निकलिए और आप लोग जहाँ रुकेंगे वहाँ एकता से रहना। वस्त्र घर के तहखाने से कपड़ा निकालिए पंत। युवराज, पर वो सादे रावर कपड़ा है, बहुत महंगा है, वो कैसे दे सकते हैं? प्रजा की लाज और आबरू से तो महंगा नहीं। जितने भी कपड़े हैं सब बाहर निकालिए, अंबर खाने के दरवाजे खोलिए, लोगों को अनाज दीजिए, पहाड़ों पे बस्तियों में वो अनाज पहुंचने दीजिए। जहाँ जहाँ हमारी प्रजा है वहाँ वहाँ वो अनाज पहुंचने दीजिए। देखिए, समय बहुत कठिन है पर उससे पार भी उतरना है।
माँ भवानी हमें ताकत देगी और हम आग बनकर नहीं रहेंगे, पानी बनकर रहेंगे, जिसमें मिला दो वैसे ही। चले हम बाबा। बाबा, अरे येसु, क्या हुआ? हमारी बेटी की आंख में आंसू क्यों? आप पहले मेरे साथ चलिए। क्या हुआ? आइए ना। अरे आखिर क्या? येसु, जाना है उन्हें, जरूरी काम है। बाबा, काम का बाद में देखेंगे, पहले हमारी येसु रानी का काम। चलिए मेरे साथ। अरे पर मुझे कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? सुनिए तो। अरे हाँ हाँ हाँ, पर बताओ तो दिखाना क्या है? ये देखिए, चंपा के पौधे पर पत्ते नहीं आ रहे, वो बढ़ भी नहीं रहा, दिनों दिन बस सूखता जा रहा है। आप नियम से पानी डाल रहे हैं ना? जी, आप पूछिए ना माँ से, हम रोज पानी डालते हैं, पर फिर भी पत्ते नहीं आ रहे, ये हमसे रूठा है क्या? अब तो बात भी नहीं करता। ये चमेली का पौधा बात करता था? बहुत, बकरी ने खाया उससे पहले इसके हरे हरे पत्ते भी थे, ऐसा लगता था ये नाच रही है। तब तो ये मामला बहुत संगीन है। वही तो, बहुत संगीन मामला है ये। अब आप ही समझाइए अपनी बेटी को, दिन भर हमें सताती रहती है। हम सताते हैं आपको माँ? महाराज और युवराज गढ़ पर लौटने से पहले इस पर अगर फूल आ गए तो हम वो फूल ले गए होते। मौसी, अरे ओ मौसी, कहाँ हो? अरे जमुना, जमुना तुम आओ बैठो। अरे क्या मौसी, इतना नसीब कहाँ है जमुना का? सुबह से काम में लगी हूँ, घुटने मोड़कर बैठने का समय कहाँ है मेरे भाग्य में? मौसी, सुबह जल्दी उठ गई, फिर पनघट पर पानी भरने चली गई, पूरे घर में झाड़ू बुहार लगाई। और तुम्हें तो पता है मौसी, घर का काम अंधे कुएं की तरह खत्म होता है कभी? बिल्कुल सच बात बोली। अरे मौसी, बहुत दिन हो गए तुमसे मिली नहीं, सोचा आज ही मिलने चली आऊं। मतलब तुम काम छोड़ के आई हो? अरे नहीं नहीं मौसी, काम तो होता ही रहेगा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आ गई। तुमसे मिलने आ ही रही हूँ तो खाली हाथ कैसे आऊंगी ना, इसलिए आते आते कटोरे लेके आ गई, सोचा जामुन ही लेके जाऊं। ठीक है, लेके जाओ, तुम्हारा ही घर है। हाँ। और दोनों में ही जामुन डालूं? अरे नहीं नहीं मौसी, एक ही कटोरे में जामुन देना। फिर ये दूसरा, इसमें क्या डालूं जमुना? दूसरे कटोरे में उसमें दही दे देना। सच कहूं मौसी, पूरे मथुरा में दही की क्या कमी है? लेकिन मौसी, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, अब तुम तो यशोदा मैया हो, तुम्हें तो गोकुल में होना चाहिए था, और तुम हो मथुरा में। तुम भी जमुना, आती हूँ जामुन लेकर। काफिर दक्खन का सिवा आगरा से भाग गया है, सिवा के साथ 10 साल का बच्चा भी है,
उसका सही पता देने वाले को इनाम दिया जाएगा। वाह श्यामलाल जी, अब चिंता का कोई कारण नहीं है। गुरु स्वग्रही हो गया है और भाग्य भी दोनों ओर से खुल रहा है। किंतु अजी सुनते हो, जल्दी भीतर चलो। अरे भाग खुलने दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और भीतर क्या है? जल्दी चलो, कहा ना। हाँ हाँ श्यामलाल, जाप करने होंगे, वो भी चावल के दाने गिनकर। 5-6 चावल के साथ कुछ दक्षिणा रख दो, फिर ये सारे ग्रह मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। अरे कमाल है, सुनाई नहीं देता क्या? बंद करो ये। अरे क्या कर रही हो? भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे कुंडली में आके बैठ जाऊंगी। अरे बाप रे। अरे भाई रुको। आप रुको। अरे ये क्या कर रही हो? अरे उसके भाग्य खुलते साथ में अपने भाग्य भी। अजी अपना भाग्य तो खुल ही गया समझो। क्या बोल रही हो? उस दिन दंडी तो सुनी थी ना तुमने? नहीं तो? ऐसे क्या कर रहे हो? बादशाह का फरमान याद है ना? हाँ, तो उसका क्या? अजी मैंने अभी अभी 9 साल के लड़के को राजसी पोशाक में देखा है, लक्ष्मी बाई के घर में। अरे देखा होगा, अरे कोई और लड़का होगा, वो रिश्तेदार होगा वो उनका। रिश्तेदार राजसी पोशाक में? तुमने ठीक से तो देखा ना? हाँ हाँ देखा है, देखा है। क्या कहते हैं, ज्यादा सोचो मत, चलो बादशाह के अमलदार को बताएंगे। जाएंगे तो जरूर, लेकिन अगर खबर झूठी निकली तो मार भी पड़ेगी। यकीन करो, लक्ष्मी बाई के घर में लक्ष्मी मिल रही है, इसे ठुकराना नहीं चाहिए। भैया, भैया क्या हुआ? केशव क्या हुआ? देख रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे बोल ना, क्या हुआ? माँ, माँ मुसीबत आने वाली है हम पर। कैसी मुसीबत? कौन लाएगा? माँ मथुरा में जम के छानबीन हो रही है, हर एक घर की तलाशी ली जा रही है। जिस घर में लड़के हैं ना 9-10 साल के, उनसे हजारों सवाल पूछे जा रहे हैं। हे भगवान, कृष्णा अब क्या करें? मेरी बात सुनिए, घबराइए बिल्कुल मत, और आप डर गए हैं ये पता मत चलने दीजिए। अब ये क्या बता रहे हो? अरे मतलब हम लोग धैर्य रखेंगे। अब वो मुगलों के आदमी अंदर घुस जाते हैं, दरवाजे तोड़कर तहखाने ऊपरी माला सब खोजते हैं, हमारे घर की भी वैसे ही तलाशी ली जाएगी, फिर उस धैर्य का क्या उपयोग? कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे हम। रास्ता एक ही है, शंभू राजा को बाहर निकालो। अरे पर शिवाजी राजा ने विश्वास के साथ उन्हें हमारे घर पर रखा है, और हम उन्हें क्या ऐसे ही छोड़ दें? तो क्या फांसी का फंदा लटका ले अपने गले में? कुछ तो रास्ता ढूंढ लेंगे हम। रास्ता निकल नहीं रहा है, मैंने पहले ही कहा था आग पर घास मत डालिए, कहा था ना मैंने? अब बहस मत कर, कुछ सोचते हैं, अभी भी समय है। समय ही तो नहीं है माँ, बादशाह के सैनिक आते ही होंगे, और शंभू राजा को किसी ने देखा था क्या? नहीं तो, पिछले कितने दिनों से शंभू राजा ने इस घर की दहलीज तक नहीं लांगी। पर हमारी दहलीज लांग कर कोई आया था क्या? हमारी दहलीज लांग कर? एक बात तो तय है, शंभू राजा की वजह से हम लोग पिस जाएंगे। अरे क्या बोल रहा है केशव, शिवाजी महाराज के बच्चे हैं वो। सोने की छुरी है इसलिए कलेजे में घुसा लेंगे क्या? हुजूर, हुजूर माफ करो हुजूर,
मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। काफर, सच सच बोलना, झूठ बोला तो चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझे? मैं सिन्हा जी की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता हुजूर। बस बहुत होगी नौटंकी, हमें पूरी तरह से खबरें मिली है, तुम ही सिवा हो और तेरा बेटा संभा। मैं एक गरीब इंसान हूँ और छोटा मोटा काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ, और ये मेरा बेटा रामचरण है। तुझे कोई जानता है, पहचानता है यहाँ पे? यहाँ कौन पहचानेगा हमें हुजूर? चल आगरा, चल आगरा में पहचानों की देरी। नहीं नहीं हुजूर, मैं पहचान देता हूँ। भाई साहब पहचानो, भाई साहब इस गरीब दुनिया को पहचानो, भाई आप तो पहचानो, भाई इस गरीब दुनिया को पहचानो। देखा, कोई पहचानता नहीं है तुम्हें, सिपाहियों पकड़ो इसे और आगरा लेके जाओ, वही उसकी पहचान होगी। और इस बच्चे को भी लेके जाओ, देखो सिवा नौटंकी करता आया है, अब फंसता नहीं, रोने धोने पे हिलना नहीं, क्योंकि सिवाजी भेष बदल के भाग सकता है। मुझे हर बच्चा, हर 10 साल का बच्चा संभा और संभा के साथ सिवा नजर आता है, ले जाओ इसे। रहम हुजूर, रहम, मैं शिवा नहीं हुजूर। क्या हुआ महाराज? पत्थर लग गया। हम खा चुके, आप भोजन खा लीजिए। महाराज दो निवाले खा लीजिए, आगे हमें कब खाना मिलेगा कोई अंदाजा नहीं है। शंभू राजा ने खाना खा लिया होगा ना? कितने दिन हो गए हैं हम उन्हें अकेले छोड़कर आगे जा रहे हैं, लेकिन अब बस, इसके आगे जाने के लिए हमारे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है ऐसे कैसे घोड़े घुमाकर मथुरा चले जाएं और शंभू राजे को मिले, ऐसे ऐसे कसकर उन्हें गले लगाएं। महाराज कलेजे को और कितना पत्थर की तरह करना है, हृदय पर बोझ लेकर और कितना चले। शंभू राजा को मथुरे में छोड़े हुए एक हफ्ता बीत गया है, वो अच्छे से सोते होंगे? उनका मन बहल गया होगा क्या? वहां के लोगों के साथ उनकी बनती होगी, उनकी आदतें, उनकी पसंद नापसंद, एक नहीं हजारों प्रश्न आंखों के सामने खड़े रहते हैं, और आंखों के सामने दिखता है एक निष्पाप बेटा। पिताजी ऐसे पुकार कर हमें कस के गले लगाने वाले। हमें छोड़कर मत जाइए, ऐसा कहने वाले। महाराज हमारा महाराज होना ही उनके बचपन में बाधा ला रहा है, क्या करें समझ नहीं आ रहा। अनजाने घर में, अनजाने शहर में अकेले रहना, वहां की भाषा अलग, वहां के लोग अलग, उनके संस्कार अलग, कोई अपना कह सके ऐसा कोई साथ में भी नहीं, पर फिर भी वहीं रहना है, खुद की पहचान भूल कर रहना है। और हम अपने घोड़े को लगाम देकर आगे आगे बढ़ते चले गए। प्रणाम हुजूर। क्या बात है, कौन हो तुम? हमें बड़े दरोगा से मिलना है, जरूरी बात करनी है। हम ही है बड़े दरोगा, बोलो क्या बात है। हमारे पड़ोस के घर में संभा छिपा है। क्या बकते हो? जी जी हुजूर जी, हमने हमारी आंखों से देखा है। सच बोल रहे हो तुम? जी हुजूर जी। पहचानते हो तुम लोग उसे? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, लेकिन उसका रंग रूप, वो छोटी उम्र, संभाई है वो। सच कह रही हो? हुजूर ये कभी झूठ नहीं बोलती, ये जो भी बोलती है पत्थर की लकीर। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? मैं गोवर्धन, और ये जमुना। हुजूर इनाम तो मिलेगा ना? इनाम तो मिलेगा, लेकिन जानकारी गलत निकली तो कोड़े के फटकर भी खाने पड़ेंगे। हाँ?
छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों को, जिंदगी भर चक्की पीसोगे। सुन बावरी, तुम चुप रहो जी। हुजूर, पूछताछ की क्या जरूरत है? अभी चलिए, पकड़ लीजिए। हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, वो संभा ही है। चलो तहकीकात करते हैं। माँ, कहाँ हो माँ? माँ, क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? माँ, शंभू राजे को यहाँ से लेकर जाना होगा। केशव जो कह रहे हैं वही सही है। अब समझ में आया? मैंने खुद की आंखों से देखा है, वो अमलदार और उसके सैनिक घर घर में घुस रहे हैं और स्त्रियों और बच्चों को छीन कर ले जा रहे हैं। अब तक तो वो अपने चौराहे तक आ गए हैं। मैं शंभू राजा को तैयार करता हूँ। मैं उन्हें यमुना नदी के किनारे बसे मंदिर में लेकर जा रहा हूँ और 2 दिन तक वहीं रुक जाता हूँ। ठीक है, पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो भैया। जी। दरवाजा खोलने तो तोड़ दूंगा। संभव को कहाँ छुपा के रखा है? नहीं भैया, नहीं कृष्णा, नहीं भैया, कृष्णा नहीं, भैया छोड़िए। नहीं हुजूर, नहीं, भैया को मारना नहीं, भैया को मारना नहीं, नहीं हुजूर। नहीं। जल्दी बोलो कहाँ है संभा? संभा नहीं तो हुजूर, पक्की खबर मिली है संभा तुम्हारे घर में है। ये झूठ बक रहा है मालिक। आपको किसी ने झूठ बात कही है हुजूर? ये देखो तुम्हारी पड़ोसन, उसने अपनी आंखों से देखा है संभा को, देखा है ना? जी हाँ, क्या खाक देखा है? हुजूर, हम संभा बिम्बा को नहीं जानते हैं, हम कसम खाते हैं। आइए हमारे घर में, हमारे घर में साधुओं का चढ़ाव है, उन चढ़ावों के फूल उठाती हूँ मैं। हमें कुछ भी मालूम नहीं है सरदार। खामोश बुढ़िया, सच सच बताओ, ये तो आगरा भेज दूंगा तुझे और तेरे खानदान को। भैया, ये लोग क्यों मानने वाले नहीं है? सबसे पहले इस बुढ़िया को गिरफ्तार करो, ले चलो। नहीं हुजूर, नहीं, मेरी माँ को छोड़ दो, वो बहुत ही सीधी सादी और भोली है। सीधी सादी भोली, संभा को छुपा कर रखती है, राजद्रोह करती है और उसमें ये तमाशा। सरदार, हम पर विश्वास कीजिए, इस जमुना को कुछ भी मालूम नहीं, वो तो हमारे यहाँ दही लेने आई थी। झूठ मत बोलो लक्ष्मी मौसी, उसी दिन मैंने संभा को देखा था। नहीं सरकार, इस जमुना को कुछ गलत फहमी हुई है। हुजूर वो तो तुम संभा को घर में रखो और पूरा गांव पूरा मोहल्ला तकलीफ उठाए। घर घर में तलाशी लो और तुम संभा को छुपाओ घर में, निकलो बाहर उसको। भैया बुलाओ उन्हें। अरे पर माँ ने वचन दिया है, मुझे डर लग रहा है। क्या फुसुर फुसुर चल रही है, कहना बाहर निकालो। अगर 10 की गिनती पे वो बाहर नहीं है तो घर को आग लगा दूंगा। प्रणाम बड़े दरोगा जी। मत मारिए मेरे काका को, रुक जाइए। काका? कौन काका, किसका काका, कौन है ये? अरे सरकार, यही तो है संभा। लगता तो नहीं, ये तो बामन है। जी जी, और ये मेरे काका है। अच्छा, किसका बेटा है? ये हमारे भाई वीसा जी का बेटा है। हाँ। वीसा जी, कहाँ है वीसा जी, बुलाओ तो सही। वो तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, इसलिए हमारे पास आया है हफ्ता भर पहले। हाँ। अगर बात गलत निकली तो आगरा तक जाने की जरूरत नहीं, मथुरा के चौराहे पे तुम सबको रख दूंगा, समझे? हुजूर, यही वो लड़का है।
उस दिन इसे ही देखा था। अरे तुम्हारी आंखें फूट गई है, तुम मेरे पोते को नहीं पहचानती। मेरे पोते को संभा मान के तुम मेरे पोते को मारना चाहती हो, उसका जीवन बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हें भगवान कभी कभी माफ नहीं करेंगे। अरे झूठी तो तुम हो मौसी, मैं भी दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली हूँ। वही होगा, दूध का दूध पानी का पानी। तुम कहती हो तुम्हारा पोता है और तुम कहती हो तुम्हारा संभा। जी हाँ। तुम बम्मन हो? जी। पाठ पूजा करते होगे? जी। तो जरा श्लोक सुनाओ, जरा हम भी सुने। अब क्या करें भैया? अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में। अभी बता देते हैं, नहीं तो हम झूठे पड़ जाएंगे। श्लोक बोलो बोलो। लक्ष्मी मौसी सुनो। ओम नमो जी शिवा अपरिमिता आदि अनादि मायतीता पूर्ण ब्रह्मानंदा शाश्वता हे रंबताता जगद्गुरु ज्योतिमय स्वरूपा पुराण पुरुषा अनादि सिद्धा आनंद वन विलासा माया चक्रचाला वाणी अविनाशा अनंत वेशा जगत्पते जय जय विरूपाक्षा पंचवदना कर्माध्यक्षा मनोजगदमा शुद्ध चैतन्या मनोमोहना कर्म मोहका विश्वंभरा। बस बस बहुत हुआ, ये गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है? उच्चारण गलत है। गायत्री मंत्र बोलो। कौन सा गायत्री मंत्र? सूर्य गायत्री, विष्णु गायत्री, आदित्य गायत्री, श्री लक्ष्मी गायत्री या अग्नि गायत्री? अग्नि गायत्री। ओम सत्नजीवाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात। जमुना, हमें उल्लू बनाने और बादशाह के सामने हमारी बेइज्जती करना चाहती थी? जी नहीं 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 हुजूर। हमने कहा था लालच बुरी चीज है, इन्हें गिरफ्तार करो। नहीं 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 हुजूर। नहीं हुजूर नहीं, माफी। चलो इन्हें गिरफ्तार करो। हुजूर हुजूर, मेरी बीवी पागल है, लालची है, माफ कर दो। दंड भरना पड़ेगा। नहीं 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 हुजूर। हुजूर फिर भी मुझे लगता है यही संभा है। चुप मक्कर औरत, ये बामन का बेटा है, ये संभा हो ही नहीं सकता, हरगिज नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? नंदन कहते हैं हमें, लेकिन नाम है शिवनंदन। शिवनंदन जी, हुजूर हमने आपके सामने जो मंत्र पठन किए बड़ा लाभ मिलेगा, आप आगे तरक्की करोगे। जिस काल में मंत्र पठन किए लाभ निश्चित है, इसलिए दक्षिणा दोगे तो इस बटू का आशीर्वाद मिलेगा। अब हमें पक्का यकीन हो गया है तुम शिवनंदन ही हो और बम्मन भी। इतने कठिन अवसर में भी दक्षिणा ना भूले। ये लो। शुभम भवतु। शिवनंदन तुम इसकी मिठाई खाओ, इन दोनों का हालत में बंद करो। चलो। नहीं हुजूर, हमें माफ कर दो। माफ कर दो हुजूर। हुजूर बात सुन। हुजूर बात सुन। नहीं हुजूर माफ कर दीजिए। हुजूर काफिर सिवा ने मिठाई बांटी और हमारा मुंह कड़वा हो गया। उसने हमारे लोगों की जेब गरम की और मुगल सल्तनत का जोश ठंडा हो गया, मगर वो दिखाई नहीं दिया, गायब हो गया। लानत है लानत।
ईरान का बादशाह हम पर हंस रहा है, अगर हमारी हालत ऐसी है कि हम रो भी नहीं सकते। बादशाह सलामत। फौलाद खान, नाम है फौलाद खान लेकिन सीना है मोम का। उस सिवा की नजरों से पिघल गए तुम। छी, कितने गैर जिम्मेदार हो। माफी जहाबना, शिवाजी को ढूंढने हमारे सिपाहियों को चारों ओर भेजा गया है। हमारे जासूस ने शिवाजी को देखा है। खामोश, खामोश। हमारे कान सुन पड़ गए यही कहानी सुनते सुनते कि शिवा को किसी ने काशी में देखा, किसी ने नरवर घाटी में देखा, किसी ने जंगल में देखा। इन्हें यह पता नहीं है शिवा देखने की नहीं बल्कि पकड़ने की चीज है। बादशाह सलाम। बस बस, बहुत हो गई कहानियां। हमारा सबसे यही एक सवाल है कि क्यों नहीं मिला शिवा। चहापना, आपने हमें घोलपुर से वापस बुलाया, नहीं तो हम शिवा को पकड़ लेते। जो छोड़ता है ना वो पकड़ता नहीं है। मतलब मैंने चहापना? हमें तुम पर शक नहीं है राम सिंह, हमें पूरा यकीन है कि तुम गद्दार हो। नमक हरामी तुम्ही ने की है। अगर तुम उस शिवा को पनाह नहीं देते तो वो कभी भागता नहीं। चहापना, ये आप क्या फरमा रहे हैं? हमारे रगों में खून नहीं, मुगल सल्तनत की खिदमतगारी दौड़ती है। अगर तुम्हारे रगों में खिदमतगारी होती तो शिवा इस तरह से भागता नहीं, लेकिन वो भागा। इसलिए इसी वक्त हम तुमसे टॉम परगनी की जागीर जब्त करते हैं, सारे हकों से तुम्हें बेदखल करते हैं। तुम आगरा छोड़ के नहीं जा सकते। रहम जहापना, इस तरह से हमारे नेकी और ईमानदारी पे शक न करें। शक तो हमें तुम्हारे वालिद मिर्जा राजे साहब पर भी हो रहा है। जहापना, पर उन्होंने ही तो शिवाजी को यहां भेजा था। उसे पुरंदर की छावनी में क्यों नहीं मारा? सलामत क्यों लौटने दिया? अगर आज वो जिंदा ना होता तो आज का मनुष्य दिन हमें देखना नहीं पड़ता और इस तरह से हमारी तौहीन नहीं होती। रहम जहापना, रहम। रहम जहापना, रहम। गलत फहमी ना करें। फौलाद खान, इसी वक्त दक्कन में फरमान भिजवाओ कि हम मिर्जा राजे साहब से बहुत खफा हैं। और सिवा का वो सरदार नेताजी पालकर जो अपनी छावनी में है, उसे गिरफ्तार करो और यहां पर लाओ। सिवा ने उसे जासूस बनाकर हमारी छावनी में रखा है। जी जहापना। नेताजी पालकर को यहां बुलाकर हम बदला लेंगे, अपना बदला लेंगे, उसे मुसलमान बनाएंगे और उसके बाद काबुल के मुहिम में उसे रवाना करेंगे। जाओ। जी बादशाह सलामत। और दक्कन की ओर जाता हुआ हर बच्चा उसके बाप को गिरफ्तार करो, फिर चाहे वो साधु हो, फकीर हो, सरदार हो या भिखारी हो। जी बादशाह सलामत। तुम हमें बादशाह सलामत कहते हो लेकिन हमें शिवा सलामत सुनाई देता है। शिवा सलामत, क्योंकि सलामत तो वो है। वो सलामत वापस चले गया, उसके साथ ही सलामत वापस चले गए। उसका एक सेवक था मदारी, जानते हो मदारी क्या करता है? डमरू बजाता है। हाँ, डमरू बजाता है। वो डमरू बजा रहा है, मुगलिया सल्तनत और सारे मुगल नाच रहे हैं। तुम भी नाचो, नाचो। हे भगवान, धुआं कहां से आ रहा है? शंभू राजा, गलती हो गई पिताश्री। पानी की तरह सब में घुल मिल जाए वैसे बनाना चाहिए। आपकी सिखाई हुई बात कुछ समय के लिए हम भूल गए थे। कृष्णा जी चाचा का भतीजा बनकर रहते वक्त
हमें ये राज्य वस्त्र पहनकर घूमना नहीं चाहिए था। वो जलाकर हमने हमारी गलती सुधार ली है।